एक पिता के सामने उसकी बेटी और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई और वो खुद अधमरा होकर ये भयानक मंजर देखता रह गया। दिल को दहला देने वाला ये हादसा उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर के कादीपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक रोडवेज बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी और स्कूटी सवार पिता के साथ में बैठे पुत्र और पुत्री ने दम तोड़ दिया। ये घटना सोमवार को लखनऊ बलिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़े हादसे के रूप में हुई। हुआ ये कि मोतीगरपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय मिश्र बंधु के पूरा के शिक्षक राजू कुमार, जो मूलतः आजमगढ़ जिले के मेहन नगर थाने के पेनुपुरा गांव के निवासी हैं, शिक्षक राजू अपने बेटे 14 वर्षीय दिव्यांश और अपनी बेटी 12 वर्षीय दीपिका को स्कूटी पर बैठाकर मोतीगरपुर बाजार स्थित अपने किराए के मकान से अपने पैतृक गांव आजमगढ़ जा रहे थे। जैसे ही स्थानीय कोतवाली के निवादा मोड़ के पास पहुंचे थे, तभी सामने से आ रही परिवहन निगम की बस ने जोरदार टक्कर मार दी। जानकारी के मुताबिक हादसे में दिव्यांश और बेटी दीपिका को काफी चोटें आईं, खुद पिता राजू कुमार को हल्की चोटें आईं। आनन फानन में ग्रामीणों की मदद से दोनों घायल भाई बहन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कादीपुर लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने बेटे दिव्यांश को मृत घोषित कर दिया और बेटी दीपिका को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अभी लोग उसे लेकर अस्पताल जा ही रहे थे कि रास्ते में बेटी की भी मौत हो गई। उधर बस चालक बस को लेकर फरार हो गया। दोनों की मौत से परिवार वालों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। दोनों शवों को पुलिस द्वारा पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम में भेजा गया है। बताया जा रहा है कि बस के बारे में भी पुलिस जानकारी कर रही है। सुल्तानपुर से नाउ 44 के लिए श्याम चंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे